रायपुर जनपद मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बढ़वार में कई मसलों पर भी 2-3 माह से बिजली न आने से तंग ग्रामीणों ने निकाला एक अनोखा तरीका। आज दर्जनों ग्रामीण ई लाइट चौराहे पर स्थित बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय के गेट पर धरने देने बैठ गए। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्वीकृति आए इसी देश को लेकर किया। रामधन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह लोधी, एडवोकेट और बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य प्रदीप चौबे धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्या सुनकर अधिशासी अभियंता से बातचीत कर तत्काल विद्युत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता ने कहा कि ये 24 घंटे के अंदर विद्युत की व्यवस्था सुचारू कर देंगे। प्रदीप चौबे भाजपा के जिला अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता के आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने किया अनशन समाप्त। ज्ञापन पर ग्राम चौबे, महेंद्र सिंह यादव, घनश्याम कुशवाहा, बलराम हरिराम कुशवाहा, राजपाल रामचरण यादव, राजेंद्र सिंह और रमेश यादव, संतोष सिंह, गजराम सिंह, भैयालाल, मगन हरि सिंह, प्रकाश रघुवीर कुशवाहा, गेंदा हीरावर, सोनू दुबे आदि के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। ये बुधवार के जो लोग आए हैं, लाइट की समस्या क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें लाइन हमारी आकाशीय बिजली जो गिरने के कारण हमारे उपकेंद्र की लाइन 3-4 दिन से डिस्टर्ब थी, तो वो उसको कई बार आकाशीय बिजली गिरी जिसकी वजह से क्षतिग्रस्तता काफ़ी बढ़ गई। तो उसकी वजह से इनके यहाँ की सप्लाई, क्योंकि जाखलौन पे पहले हमारी सप्लाई जाती है, फिर जाखलौन से बुढ़वार तक आती है, तो जाखलौन में हमारी बत्ती आज सुचारू हो गई है। संभवतः 1-2 दिन में, आज शाम तक या कल तक इनकी सप्लाई वहाँ जिस गाँव में बात कर रहे हैं बुढ़वार में, वहाँ तक पहुँच जाएगी। आपका कहना है कि 3 दिन पहले जो आकाशीय बिजली गिरने से डैमेज हुआ था और ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 1 महीने जिनके मजरों पर लाइट नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? इसके संबंध में अब चूँकि हमारे पास कोई प्रार्थना पत्र आया नहीं था, आज ये आके हमसे मिले हैं, तो इसकी हम जांच करवा के इसको दिखा रहे हैं। जो आगे की अन्य और छोटी मोटी समस्याएं हैं गांव की, उसको हम 1-2 दिन में दिखा रहे हैं।